नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है, तो वहीं बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद बगावत का दौर थम नहीं रहा है। बागियों ने पार्टी उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ा दी है। बीजेपी की ओर से बागियों को कड़ा संदेश देने के लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने 3 पूर्व विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये 3 पूर्व विधायक NDA प्रत्याशी के खिलाफ अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इन 3 पूर्व विधायक से बड़हरा से आशा देवी, जगदीशपुर से भाई दिनेश और मनेर से श्रीकांत निराला शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। 3 पूर्व विधायकों के खिलाफ पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने 9 और बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये सभी NDA प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से अधिकतर नेता लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के साथ ही JDU ने भी बागी बनकर चुनाव लड़ रहे अपने नेताओं को पार्टी से निकाला है। ये सभी JDU से टिकट ना मिलने पर दूसरे दल के चुनाव चिन्ह पर या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या किसी अन्य दल का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।